सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ यूट्यूबर्स लाइफस्टाइल। तो आज हम एक कंपैरिजन वीडियो देखेंगे दो ऐसे यूट्यूब स्टार्स के बीच में, जिन्होंने उनकी एक्टिंग और फनी गालियों से लाखों लोगों को उनकी कॉमेडी का दीवाना बनाया है। तो आज हम जानेंगे राउंड टू हेल टीम के नाजिम और वसीम के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप में जो भी इनके फैंस है वो वीडियो कर दो फटाफट से लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो प्लीज यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बात करें इनके रियल नेम की तो इनका पूरा नाम नाजिम अहमद है और इनका पूरा नाम वसीम अहमद। इन्हें सब प्यार से टीम्मा कहकर बुलाते हैं और इन्हें सब प्यार से बेबी जी कहकर बुलाते हैं। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म 1 सितंबर 1996 को बरा मुरादाबाद यूपी में हुआ और इनका जन्म 12 जुलाई 1996 को बरा मुरादाबाद यूपी में हुआ। ये दोनों फिलहाल दिल्ली इंडिया में रहते हैं। बात करें इनके उम्र की तो दोनों की उम्र फिलहाल 2020 के हिसाब से 24 साल है। प्रोफेशन की बात करें तो दोनों यूट्यूबर और कॉमेडियन है। दोनों ही बचपन से साथ में खेलते थे और ज्यादातर साथ में ही रहते थे। दोनों ही अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे। नाजिम ने उनकी स्कूल मॉडर्न पब्लिक स्कूल मुरादाबाद से की और वसीम ने उनकी स्कूलिंग आलम इंटर कॉलेज मुरादाबाद से की। इन्होंने मिलके 6 नवंबर 2016 को यूट्यूब चैनल शुरू करने का सोचा, इस पर वो वाइंस अपलोड करते थे। उनकी मेहनत और कंसिस्टेंसी से राउंड टू हेल यूट्यूब चैनल आज इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स की लिस्ट में है। राउंड टू हेल यूट्यूब चैनल के जनवरी 2021 के हिसाब से 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। बात करें इनके नेशनलिटी की तो दोनों इंडियन है। रिलीजन की बात करें तो दोनों मुस्लिम है। बात करें इनके फिजिकल स्टेट की तो नाजिम की हाइट 5'9" और इनका वेट 58 kg है। वसीम की हाइट 5'7" और इनका वेट 75 kg है। बात करें इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर की तो नाजिम के इंस्टाग्राम पे जनवरी 2021 के हिसाब से 76,000 फॉलोअर्स और वसीम के इंस्टाग्राम पे जनवरी 2021 के हिसाब से 1,01,000 फॉलोअर्स है। दोनों यूट्यूब से महीने के 4 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो आपको नाजिम और वसीम में से किसकी एक्टिंग अच्छी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना उनके फेमस डायलॉग के साथ। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।